मैं डॉक्टर सी एल महावर बीए थर्ड ईयर के छात्राओं को डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक जाने माने हिंदी साहित्य के एकांकीकार हैं और ये एकांकियाँ वर्तमान जीवन के यथार्थवादी जो विषय वस्तु है उसको लेकर के उन्होंने एकांकियाँ लिखी है। जो आपके इस कोर्स के अंदर आपके विषय में लिखी है उस एकांकी का नाम है पुरस्कार एकांकी। और पुरस्कार एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत एकांकी। इस एकांकी में राष्ट्रीयता के जो भाव हैं, राष्ट्रीयता के जो जीवन मूल्य हैं, राष्ट्रीयता के जो भाव हैं, उन भावों को भरने का, उन भावों को भरने का राम कुमार वर्मा ने इसमें प्रयास किया है। और ये एकांकी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत एकांकी, इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के एकांकियों में लिखने में मंच पर मंचित करने की जो एकांकियां हैं वो उनकी एक अच्छी एकांकियां हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी पुरस्कार में निहित विचारधारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पुरस्कार एकांकी में राष्ट्रीय विचारधारा विद्यमान है, यानी राष्ट्रीयता के बीच, राष्ट्रीय एकता के, अखंडता के जो जीवन हैं, जो इसके मूल्य हैं एकता अखंडता के, उनको बांधने का उन्होंने प्रयास किया। वर्मा जी ने इसमें देश प्रेम, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, देश से जुड़ाव होना चाहिए, देश में आस्था होनी चाहिए और देश के लिए अपना सब कुछ अच्छा करने की तमन्ना होनी चाहिए। स्वभावलंबन, यानी व्यक्ति को स्वभावलंबन होना चाहिए, क्योंकि सब मिलकर के जो अपना स्व हिसाब से स्व काम करेंगे तो स्वावलंबन बनेंगे तो देश अपने आप ही मजबूत और शक्तिशाली होगा। अतः व्यक्ति को स्वावलंबन होना चाहिए, भेदभाव की निरस्ता, अर्थात व्यक्तियों में जाति पाति ऊंच नीच वर्ग इन भेदभावों को, सांप्रदायिकता भेदभाव, इन सब से परे होकर के, यानी इन सब से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, चाहे वो जाति से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे आस्था से संबंधित हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो। इसको उन्होंने गौण समझा। अब इन राष्ट्रीयता के जब बात आती है तो इनसे परे होना चाहिए, देश प्रेम की बात होनी चाहिए, स्वावलंबन की बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, इसमें भेदभाव की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि सब में एक ही बात होनी चाहिए, हम सब एक, एकता की बात, श्रेष्ठता की बात, भिन्नता की बात नहीं करता। इसलिए भेदभाव के जो बात है इनके एकांकियों में निरस्ता दिखाता है, अर्थात देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति का नहीं होना चाहिए, धर्म का नहीं होना चाहिए, संप्रदाय का नहीं होना चाहिए, बल्कि सब मिलकर के एक हिंदुस्तान के हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, ये मन में भावना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रति गहरी आस्था, यानी हम स्वतंत्र हैं, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद में हम आज़ाद हुए, तो हमें अब स्वतंत्रता की जो महत्ता है, स्वतंत्रता की जो बात है, स्वतंत्रता के विषय की जो विषय में हैं, हम समझते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। अतः स्वतंत्रता के प्रति सबके मन में गहरी आस्था होनी चाहिए। अगर हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारी स्वतंत्रता, एकता, अखंडता कभी खंड नहीं हो सकती, स्वतंत्रता पर कोई आँच नहीं आ सकती, कोई हमारे पर देख नहीं सकता, ऐसी स्वतंत्रता सबके मन में होनी चाहिए, ऐसी गहरी पैठ, ऐसी गहरी मन में आस्था स्वतंत्रता की होनी चाहिए। इस कारण से ही हम स्वतंत्र रह सकते हैं। अतः मन में स्वतंत्रता के प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए। अब हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारे स्वतंत्रता के प्रति कोई आँच नहीं आनी चाहिए,
ऐसी बात सबके मन में होनी चाहिए, सारे हिंदुस्तानियों के मन में होनी चाहिए सत्य, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते, अतः हमेशा सच बोलना चाहिए और सच हमेशा कड़वा होता, कठोर होता, क्लिष्ट होता है, पर सत्य अटल है। इसलिए कभी भी किसी का डर से, भय से, इन सबसे परे होकर के हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य हमेशा जीवित रहता है। इसलिए कहता है कि हमेशा विजय सत्य की होती है। और अहिंसा प्रेमी भाव जबरदस्ती चला करके अहिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार धार लूटपाट इसमें क्या कुछ नहीं, अहिंसा रह करके, अहिंसा के तरीके से हम जो मैत्री का भाव आगे बढ़ाते हैं उससे प्रेम आगे बढ़ता है, और जो प्रेम आगे बढ़ता है वो सच्चा, सात्विक और गहरा उतारो आगे उसका जो प्रभाव है दूर तक नजर आता है। इसलिए अहिंसा रहनी चाहिए, सबके मन में अहिंसा का, मैत्री का, मित्रता का भाव होना चाहिए। ऐसे भाव को उभारने का कार्य राम कुमार वर्मा जी ने पुरस्कार एकांकी में नियुक्त किया, जो कि देश प्रेम से, देश प्रेम की भावना से विद्यमान भावना। डॉक्टर वर्मा का यहाँ एकांकी देश प्रेम के भाव से भरा होने के कारण, क्योंकि देश प्रेम की भावना उसमें, देश प्रेम की भावना इस एकांकी में कूट कूट कर भरी हुई है। इस कारण से इसका एकांकी का प्रारंभ यानी शुरुआत है, जो प्रारंभ होता है वो, और मध्य है, मध्य अर्थात इसका जो चरमावस्था होती है, जो बीच की अवस्था होती है वो अवस्था, एवं अंत, अंत यानी इसका समापन, तीनों बिंदुओं का बड़ा रोचक सरस और कौतूहल, क्योंकि अगर तीनों बातों को हम देखें से एकांकी में तो बड़ा रोचक लगता है। अब क्या होगा, बड़ा देखने के लिए मन लायक रहता है, रुचिकर लगता है, सरस है, अक्सर सबके समझ में आ रहा है, सहज है, क्या बात कह रहा है, किसे कह रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो समझा रहा है, किसे समझा रहा है, हमें क्या समझना है, और कौतूहल था अब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, यानी मन के अंदर अब आगे क्या होगा वो कौतूहल बना रहता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राम कुमार वर्मा की जो एकांकी है पुरस्कार बड़ी रोचक सरस और कौतूहल पूर्णता बनाई हुई है, और दर्शक है, सुनने वाले श्रोता है, पढ़ने वाले जो लेखक, पढ़ने वाले पाठक हैं, इनको पढ़ने से, सुनने से और देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, देश प्रेम की भावना जो उसके अंदर भरती है, वो बड़ी सहज तरीके से सबके मन में जो पढ़ता है, सुनता है और देखता है वो भर जाता है, और उसमें राष्ट्रीयता की भावना स्वतः अपने आप पनप जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है पुरस्कार, उसमें राष्ट्रीयता की भाव निहित है, और राष्ट्रीयता की जो बात है, राष्ट्रीयता की जो धारा है जिन्होंने बहाई है, वो सबके हृदय में फूटती है, सरस निकलती है जो उसको पढ़ता है, सुनता है, देखता है। धन्यवाद।